नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग एक का चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना। तो ये हमारी एक कविता है, एक गीत है जो कि लिखा गया है साहिर लुधियानवी जी द्वारा। इसके इस गीत के कुछ काव्यांश, कुछ पंक्तियां हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे, साथ ही उसका भावार्थ भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर उस गीत को कंप्लीट करेंगे, यानी कि उस गीत को पूरा पढ़ेंगे और साथ ही जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे। यानी कि जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में अगर उस पाठ को नहीं पढ़ पाए होंगे तो उन्हें भी ये रिवाइज हो जाएगा और आगे फिर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका है तो अपनी पाठ्य पुस्तिका अपने निकाल लीजिए और उसी में जो कठिन शब्द यहाँ पर बताए जाते हैं उनके अर्थ भी आप साथ के साथ अंडरलाइन करते रहिए। और कोई भी डाउट होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हैंड रेस करके पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में जो यहाँ पर स्टार्ट किया था, हमने ये बताया था कि जो हमारी हमारा ये गीत है, जैसे आप देख रहे हैं गीत का नाम ही है साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें मिलजुल कर काम करने की बात की गई है। यानी कि हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। जिस काम को अगर कोई एक व्यक्ति को वो काम अगर दिया गया है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति थक सकता है, वो व्यक्ति बीमार हो सकता है या वो काम अधूरा रह सकता है। लेकिन अगर उसी काम को चार लोग अगर मिलकर कर रहे हैं तो समय भी कम लगता है, थकान भी बिल्कुल नहीं होती और साथ में काम करने से हमारा एक तरह से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है और हम उसे जल्दी से कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस कविता के बारे में पढ़ा कि हमें अपने जीवन में जितने भी, क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें सुख दुख हमेशा लगे रहते हैं और इस सुख दुख की घड़ी में हमें हमेशा अपना एक अपने अंदर एक तरह से विश्वास बनाए रखना है और उससे लड़ने की कोशिश करनी है, ना कि डरना है, ना कि दूर भागना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। तो इस तरह से हमने दो काव्यांश पढ़े थे और उनकी व्याख्या भी मैंने आप लोगों के साथ की थी। चैप्टर को लास्ट सेशन में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था और अभी देखिए रिवाइज करने का यही रीजन है कि आप में से कुछ बच्चे जो कल एब्सेंट होंगे, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की होगी, वो भी इसको अभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसे भी रिवाइज कर रहे हैं और साथ ही अपने टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और साथ में रीडिंग करने के लिए जब मैं कहूंगी तो फटाफट माइक भी लेंगे। देखिए, कोई भी जो कविता होती है उसको अगर हम थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से पढ़ें, अगर हम लय में पढ़ें तो क्या होता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसको पढ़ने में हमें और भी ज्यादा मजा आता है। तो इसीलिए कोई भी कविता आप देखते हैं उस पढ़ा जाता है आनंद के साथ, पढ़ा जाता है लय के साथ पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए, पहली ही पंक्ति में हमें मिलकर काम करने के लिए कहा है कि एक अकेला थक जाएगा। एक अकेले व्यक्ति को अगर आपने काम दिया है तो वो थक सकता है, वो काम अधूरा रह सकता है, लेकिन अगर साथ में मिलकर करेंगे काम तो साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है, हम मेहनत वालों ने। क्योंकि देखिए, हम जो इंसान है, हम जो व्यक्ति है, जैसे इसका अगला आपने काव्यांश देखा उसमें हमने यहाँ पर लिखा है कि मेहनत अपने हाथ की रेखा, कि हमारे लिए मेहनत तो हमारे जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे हाथों में लिख दी गई होती है,
कि कोई भी काम, देखिए कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी सफलता आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। आपको लगता है क्लास में कि अरे यार इसके नंबर इतने ज्यादा क्यों आए, मेरे इतने कम क्यों आए, तो जैसी आप मेहनत करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिख कर लाएंगे आएंगे, उसी के आपको नंबर मिलेंगे। कभी भी किसी को ऐसे ही एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते या ऐसे ही किसी को कम नंबर नहीं मिलते। तो सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, मेहनत। तो हम कैसे हैं, हम मेहनत करने वाले इंसान हैं। हमने जीवन में कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा है, हम हमेशा मेहनत करते आए हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। देखिए एक तो मेहनत और दूसरा हमारा होता है दृढ़ संकल्प। अगर हमने अपने मन में ठान लिया है कि हमें ये काम करना है तो करना है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। मैंने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह से इतने बड़े सागर में पुल बना दिया गया था एक वानर सेना के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था, एक दृढ़ निश्चय था और क्या था, मेहनत थी सबकी। एक कोई इंसान पुल नहीं बना सकता था, लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया कि वानर सेना के अलावा जितने भी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, कीट पतंग हो, जो भी हो, क्योंकि एक तो वो रामचंद्र जी का कार्य था, भगवान का काम था, और ऊपर से देखिए चाहे भगवान का काम ही क्यों ना हो, एक आदमी अगर करता तो वो इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन सबने क्या किया, सहयोग दिया और वहां पर पुल बन गया। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा फौलादी सीने, फौलाद यानी कि लोहे के। हमें अपने मन को भी मजबूत बनाना है, साथ साथ दृढ़ संकल्प करना है और अपने मन को मजबूत बनाना है, फौलाद का बनाना है। थोड़ा सा दुख आ गया, अगर देखिए जीवन चल रहा है इसमें सुख और दुख का चक्र जो है चलता रहता है, कभी खुशी आती है कभी दुख आता है। आपके देखिए अभी आप छोटे हैं, अभी आपको जीवन का इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके लिए सुख और दुख जो है अभी लगभग समान ही है। आपको नहीं समझ आता कि किस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा दुख है, किस टाइम पे हमें खुशी है। तो ये सारी चीजें अभी आप, ये सारी चीजें हमें जीवन में अनुभव से ही हम सीख पाते हैं। लेकिन अभी आपके लिए जो दुख है वो है कि अरे यार मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए, मेरे नंबर क्यों कम आए, या मेरे को ये कंपटीशन में भाग लेना था, मैं इसमें फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो आपके लिए अभी यही छोटे मोटे दुख है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अपने मन को मजबूत बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे नंबर कम आए तो नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूंगा और मेरे नंबर और अच्छे आएंगे। यानी कि हमें दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है कि यार मेरे नंबर कम आए, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो आगे नहीं पढ़ सकता, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं इतने ही नंबर ला सकता हूँ। तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को खुद एक तरह से सोचना है कोई बात नहीं, इस बार कम आ गए, नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि हम मेहनत वाले हैं, हम मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और उससे क्या होगा, मेरे नंबर और अच्छे आएंगे। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, यानी कि हमें मेहनत करने से नहीं डरना है, अपना काम करने से नहीं डरना है, अपने काम के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, यानी कि मुश्किल समय में भी हम रास्ता निकाल सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे दूसरों से आगे निकलें। तो हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। देखिए आप देख सकते हैं एक मजदूर होता है, जब मकान बन रहा होता है ना, इसका सीधा साधा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मकान बन रहा है, ठीक है, कोई मकान बन रहा है और उसमें आप देखते हैं कि अगर दो तीन मजदूर है तो काम क्या होता है, धीरे 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 होता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने देखा होगा छत डलती है, जब छत डल रही होती है, देखा है आप सभी ने कहीं पर छत डलते हुए देखा है, जब छत डल रही होती है, हैंड रेज करेंगे जिस जिसने देखा है, जहां पर घर की छत डल रही होती है, तो वो सीन आपने देखा है जब कोई मकान बन रहा होता है तो उसमें छत डल रही होती है। यस, काफी बच्चों ने देखा होगा
अपने आसपास, तो क्या होता है आजकल तो मशीनें हैं, सीधे मशीन से जो एक तरह से बनाया रहता है जो सामान छत में डालने के लिए, वो मशीन से जाता है। लेकिन जहां तक मशीनें नहीं पहुंच पाती वहां पर क्या होता है, एक मजदूर नीचे खड़ा है, फिर एक थोड़ा ऊपर खड़ा है, एक थोड़ा ऊपर खड़ा है, एक छत पे खड़ा है, वो फटाफट फटाफट एक दूसरे को तसले पास करते हैं ऐसे 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 ऐसे, और ये सारा काम जो है जो छत डलने का काम होता है अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा काम होता है। तो वो काम वो पूरे दिन में खत्म कर देते हैं, एक तरह से पूरी छत डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, सब मिलकर करते हैं, सहयोग से करते हैं, एक दूसरे को वो पकड़ाते रहते हैं जल्दी जल्दी। कोई नीचे सामान बना रहा होता है, कोई सीमेंट घोल रहा होता है, कोई सीमेंट को पास कर रहा होता है, कोई ऊपर सीमेंट गिरा रहा होता है, कोई छत को प्लेन कर रहा होता है, कोई सीमेंट को बराबर कर रहा होता है। तो एक तरह से ये काम इतनी जल्दी होता है उस टाइम पे, आप देखेंगे तो बहुत ही लगता है कि यार कितनी मेहनत करते हैं और कितना एक दूसरे के साथ इनका जो सहयोग है वो कितनी अच्छी तरह से बैठ रहा है। तो हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, इतने ज्यादा हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी बाहों की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि इतना ज्यादा हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। तो उसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो देखिए पहला कार्यांश क्लियर होता है, व्याख्या हमने लास्ट सेशन में कर दी थी, सेम इसी तरह की है। और उसके बाद हम दूसरे काव्यांश को यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद तीसरा काव्यांश जो हमारा छूट गया था उसे भी पढ़ेंगे। हम मेहनत मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। जब आपको पता है कि जीवन में बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिल पाती तो फिर मेहनत से क्यों डरना। तब तो हमें चाहिए कि हमें और मेहनत करनी है, नहीं आज मैं एक घंटा पढ़ता था अब मैं दो घंटे पढ़ूंगा, अब मैं सिक्स क्लास में आ गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं प्राइमरी में नहीं पढ़ता, अब मैं एक तरह से मिडिल स्कूल में आ गया हूँ और अब तो मुझे मेहनत करनी है क्योंकि इसके बाद मैं सेवेंथ में जाऊंगा, फिर मैं एट्थ में जाऊंगा, फिर मैं नाइन्थ में जाऊंगा, तो आज के बाद मैं दो घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत अपने लेख की रेखा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कल गैरों के खातिर की अब अपनी खातिर करना, कल गैरों के खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारे सुख दुख सेम है जीवन में, संसार में अगर हम आए हैं तो देखिए किसी को कैसा दुख है, 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 लेकिन अगर देखा जाए तो सबको एक ही दुख है कि उसको संतुष्टि नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं है कि मेरे, किसी को लगता है मेरे पास ये नहीं है, किसी को लगता है मेरे पास घर नहीं है, किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, किसी को लगता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, किसी को लगता है कि ये है, किसी को लगता है वो है, किसी को लगता है मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो लगभग छोटे जो मोटे जो हमारे दुख है लगभग एक जैसे हैं। तो कल गैरों के खातिर की, जब हम दूसरों के लिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि दूसरों के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारा जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था उस समय पर हमारे देशवासियों ने कितनी मेहनत की उन फिरंगियों को, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालने के लिए। तो आज हम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते, अपने देश को, अपने परिवार को। देखिए शुरुआत होती है अपने आप से, कभी भी ऐसा नहीं कि एक इंसान कहां से शुरू करेगा, एक इंसान करेगा, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, परिवार से शुरू करेंगे, मोहल्ले से शुरू करेंगे, समाज से शुरू करेंगे, गांव से शुरू करेंगे, शहर से शुरू करेंगे, और पूरे राज्य से शुरू करेंगे, यानी कि जब सब एक साथ मिलकर आएंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल। अब देखिए सबसे मेन पार्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी कि जो हमारी ये मंजिल है, जो हमारी ये मंजिल है ये हमेशा नेकी की होनी चाहिए, सच्चाई की होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए। आगे बढ़ने की होड़ में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी गलत रास्ते से होकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना,
अपनी मंजिल सच की मंजिल, यानी कि आप अगर बड़े हो तो आपको अगर पीछे मुड़कर देखना है कि यार मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को एक तरह से कष्ट नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी कुछ गलत काम नहीं किया। तो अपनी मंजिल हमेशा सच की मंजिल होनी चाहिए, अपना रास्ता नेक, यानी कि अपना रास्ता जो है ईमानदारी का होना चाहिए। देखिए भले ही आज के टाइम में जो इंसान सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, उसको क्या होता है कि चीजें बहुत धीरे धीरे मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरे मिलती है तो नहीं मिलती है। आप अपनी सच्चाई, अपनी नेकी, अपनी ईमानदारी को मत छोड़िए, आप एक न एक दिन खुद चमक कर सबके सामने आएंगे। तो अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, हमें हमेशा सत्य की राह को चुनना चाहिए, नेकी की राह को चुनना चाहिए, ईमानदारी की राह को चुनना चाहिए। मुझे सफल बनना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को कष्ट दूं, मुझे सफल बनना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मुझे सफल बनना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूं, मुझे सफल बनना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फैमिली को दुख पहुंचाऊं, अपने परिवार को कष्ट दूं। तो इन सब चीजों से हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए भी हमें साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि हमें सबको इकट्ठा होकर मिलकर ये काम करना है, ठीक है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर था हमारा ये सेकंड काव्यांश, तो ये भी हमारा क्लियर होता है। समझ आया सभी को? हैंड रेज करेंगे एक बार में, दोनों काव्यांश हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। यस, तो ये हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे काव्यांश की तरफ, अपने तीसरे काव्यांश को पढ़ेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। आपने सुना होगा ना कहावत, राई का पहाड़ बनाना, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि अगर हम मिलकर काम करें तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है अगर हम मिलकर काम करें तो। एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो ये नहीं मिलता, मैं इसको बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे ये प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि आप सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं, आपको अगर कहीं पर सलाह की जरूरत है, सुझाव की जरूरत है, साथ की जरूरत है, अगर आप दूसरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखेंगे, अच्छी मित्रता बनाकर रखेंगे, तो क्यों दूसरे आपकी हेल्प नहीं करेंगे समय पर? तो सबके साथ बॉन्डिंग बनानी है, सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया, एक छोटे से छोटा कतरा भी बहुत बड़ा दरिया बन सकता है, और एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहरा। जर्रा यानी कि रेत के छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे, मुट्ठी भर रेत, मुट्ठी भर रेत, मुट्ठी भर रेत अगर हम इकट्ठा करें तो रेगिस्तान बन सकता है पूरा, और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अगर राई के दानों को भी अगर इकट्ठा किया जाए खूब सारे, तो ढेर लगा दिया जाए तो एक पर्वत बन सकता है। इसी तरह से एक मिले तो इंसान बस में कर सकता है किस्मत, अपनी किस्मत को बस में कर सकता है और जो चाहे कर सकता है, क्योंकि जो काम अगर अकेला व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, चार लोग अगर मिलकर करेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो तब आप नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत खराब है, मुझसे ये नहीं हुआ। तो इसीलिए एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी कि अपनी किस्मत को बस में कर सकता है। तो इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि हमेशा मिलकर काम करना, हमेशा मिलकर रहना। इस तरह से ये तीसरा काव्यांश भी हमारा क्लियर होता है, और उसकी व्याख्या हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी अपनी इन पंक्तियों से? तो देखिए,
कवि अपनी इन पंक्तियों से प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि बूंद से बूंद मिलकर जल बन जाता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आपने कहावत भी सुनी होगी कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। अगर आपका कोई नल टपक रहा है और आप उसके नीचे घड़ा रख दें और धीरे धीरे आप थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद देखेंगे कि पूरा घड़ा भरा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही वेस्ट कर दें तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक एक बूंद है, छोटी छोटी बूंद है, और वो क्या होगा, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे कोई बर्तन लगा दें तो आधे घंटे बाद देखेंगे कि वो बर्तन भरा हुआ है। ठीक है, तो एक से एक मिले तो कचरा बन जाता है दरिया। आपने देखा होगा कि बरसात के गर्मियों के टाइम पे जो नदियां होती हैं वो लगभग सूख जाती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं, लेकिन बरसात में जब इधर से एक एक नाला आता है, उधर से एक गधेरा आता है, इधर से एक नाला आता है, तो क्या होता है, ये सब जाकर जब नदी में मिलते हैं तो नदी कितने उफान पर आ जाती है। तो इस तरह से एक कतरे कतरे से बहुत बड़ा दरिया बन जाता है, और इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेते हैं। और इसी प्रकार जो एक कण से कण मिलकर सहरा यानी कि पूरा रेगिस्तान बन जाता है, और इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा होकर यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने मन में विश्वास रख के और साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए यानी कि अगर आपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, अगर आपको उसके लिए किसी की मदद लेनी है, किसी से सुझाव लेना है, किसी से सलाह लेनी है, किसी का आशीर्वाद लेना है, तो सबसे मिलकर आपने चलना होगा, तभी आप अपने जीवन में कठिन से कठिन जो आपका एक तरह से लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर साहिल लुधियानवी जी द्वारा ये जो हमारी कविता थी ये हमने पढ़ी, और तीसरा काव्यांश भी इसका हमने क्लियर कर दिया। तो देखिए ये काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर होता है, और इसी काव्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। इस काव्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? देखिए यहाँ से रीडिंग नहीं करनी है, फिलहाल जो गीत की पंक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको आसपास जो मिलकर काम करते हैं वो चीजें मैंने आपको बताई थी, तो आपने क्या देखा, जीआईसी बाग वाला फटाफट कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, यस बच्चा एक बार में उठिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है और बहुत सारे स्कूल भी हमारे पास होते हैं। यस मैम। यस, तो हमने प्रश्न किया है इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। पूरी कविता हमने यहाँ पर पढ़ ली है, आपको समझ आई कविता? यस मैम। यस, तो बच्चे एक बार चलिए कोई बात नहीं, आप इसी उत्तर को पढ़कर मुझे यहाँ पर सुना दीजिए कि क्या क्या हम यहाँ पर घटते हुए देखते हैं अपने आसपास। सर, इस गीत के माध्यम से नीचे लिखी पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। वेरी गुड। तो गीत की ये वाली जो पंक्तियां हैं ये हमें हमारे आसपास घटते हुए दिखाई देती हैं। तो क्या कुछ दिखता है आपको जो मिलकर आपके आसपास कोई भी लोग करते हैं, क्या कुछ कभी देखा आपने आसपास बहुत सारे लोगों को काम करते हुए एक साथ? देखा है। यस yes. बच्चे कहाँ कहाँ पर देखा है आपने जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं? मैम घर बनाते समय। यस yes. रोड बनाते समय। यस yes. लिंटर डालते समय छतों। यस yes. और खेत में काम करते समय नहीं देखा?
जब खेत में रुपाई लगाई जाती है, आपने देखा कि कुछ लोग जो है खेत को प्लेन कर रहे होते हैं, कुछ धान के जो पौधे होते हैं उन्हें उखाड़ रहे होते हैं, कुछ रुपाई कर रहे होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, पूरे आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, सब मिलकर जो है काम करते हैं, तो काम क्या होता है, जल्दी हो जाता है ना। सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। आप लोग करते हैं आपस में ग्रुप स्टडी करते हैं, आप लोग साथ में पढ़ते हैं कभी किसी चैप्टर को? यस मैम। हाँ, तो जब हम साथ में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें जल्दी समझ आता है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत एक बताता है, थोड़ा बहुत एक बताता है, थोड़ा बहुत एक बताता है, तो हमें क्या होता है, जल्दी से चीजें समझ आ जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा। तो गीत की ये पंक्तियां हमें यहाँ पर बताती है। अब देखिए दूसरा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, इसीलिए कहा है क्योंकि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हम आसानी से पार कर जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने छोटी छोटी चींटियों को देखा होगा कि वो इतने बड़े बड़े चीजों को भी इतनी छोटी छोटी चींटियां क्या करती है, खींच कर लेकर जाती है, सब मिलकर उस पर 10-15 चींटियां जो है जुड़ी चिपकी हुई होती है और उसको खींच कर लेकर जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं, और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो है बहुत कम है, उनको आप घर पर करने की कोशिश करें, पाठ से कठिन शब्द जो है उनको भी लिखें और इस कविता को भी अपनी नोटबुक में लिखें। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं आशा करती हूँ कि पाठ आप सभी को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो घर पर जाकर इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।